गया। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम कहें कि ये तो उनके ओपोनेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट तो हार गई, ये तो जीत गया इमरान। अब ये अभी अगले चंद दिनों में पता चलेगा। अच्छा, क्या इमरान खान की जो बातें हैं वो एंटी नेशनल नहीं लग रही हैं कि सड़कों पे खून बहेगा, पाकिस्तान टूट जाएगा? और अगर एंटी नेशनल इनको माना ही जा रहा है तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अब तक? इनफैक्ट डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, साथ में डीजी आईएसआई जो कि शायद फोटो भी नहीं खिंचवा रहे थे, और फोटो कहीं भी थी भी तो उसे फोटोशॉप से हटवा रहे थे, बिल गेट्स के साथ फोटो हटवा दी गई थी, उनको भी ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इनके थ्रेट से। तो क्या ये एंटी नेशनल बातें नहीं कर रहे, और क्यों ये अपने ही कंट्री के खिलाफ बागियाना तेवर लेके घूम रहे हैं? देखिए, मैं इस पे आपसे रोजी थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है मेरी। इसकी वजह यह है कि वैसे तो यहाँ पर एंटी नेशनल बनाना बहुत आसान है, फतवे देना, गद्दार ट्रेटर बना देना, ठीक है ना। लेकिन इमरान खान ने वाकई कुछ ऐसी बातें की हैं जिस तरह के आज तक कभी किसी और पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान में नहीं की। अब इमरान खान की जो पॉलिटिक्स का अंदाज है वो है फासिज्म, ठीक है। अब इसको आप कह रहे हैं कि वो एक इनकलाब लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुर्ख इनकलाब नहीं है। एक तो है ना कि लाल लाल लहराएगा सुर्ख इंकलाब के, जी हम जो है वो रियासत को जो है वो हम नहीं चाहते कि ये तो इसको खत्म करें, ये क्या है। लेकिन जो मैं समझती हूँ कि वो एक ऐसा इंकलाब लाना चाह रहे हैं कि जिसमें जिस चीज को वो खत्म करना चाह रहे हैं वो खुद भी वैसी एक चीज लाना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आप ये कहते हैं ना कि जनाब ये जो है ये तो जमहूरियत में ऐसा तो नहीं होता कि आपके जो है इदारे या एस्टेब्लिशमेंट या ये डिक्टेटरशिप या ये क्यों है, तो हम इसको खत्म करने के लिए ये है हमारा इनकलाब, हम इसके लिए काम करें। प्रॉब्लम ये है कि वो जो अल्टीमेटली जो उनका गोल है वो भी यही है कि वो ताकत हासिल करके तो वो अपना जो उनका है मोटिव वो हासिल करें, जो ऑब्जेक्टिव है उनका जो अचीव करना चाहते हैं वो भी यही, एट द एंड यही होगा अगर वो कामयाब होते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा है, लेकिन फिर भी बात ये है कि देखिए, एक तरफ वो उनका नैरेटिव ये है कि हमारे बंदों को मार रहे हैं पकड़ पकड़ के, वो तो जिस तरीके से जो जो मार रहे हैं वो भी आपने सुन लिया कि इनके साथ तो ये हो गया, इनके साथ तो ये हो गया, और ये रियासत कर रही है और पकड़ धकड़ तो हो रही है। तो दूसरी तरफ अगर एक जमहूरी मुल्क है तो हम तो डेमोक्रेसी के हक में है, तो फिर तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिशियन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी। इमरान खान को गिरफ्तार करके आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। यानी आप इमरान खान को इसीलिए गिरफ्तार करेंगे ना कि इसको बंद कर दो बस, ठीक है सब कुछ, नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है कि आप, क्योंकि बहुत पॉपुलर लीडर है वो, एक बड़ी जमात है और बनाने वाले आप हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब बन गया तो वो ये वही बात है कि आप जिनको बोतल में वापस डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एक जमहूरी मुल्क होते हुए बजाय ये कि गिरफ्तारियां पकड़ धकड़ ये सब कुछ, तो क्यों ना डायलॉग करके बात की जाए। और ये भी बात याद रखिएगा कि वो जिस बेस पर इस वक्त आए हुए हैं उनकी बेस ये है कि लोग मेरे साथ हैं, पाकिस्तान की पब्लिक उनकी सपोर्ट में है, वो ये कह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप कैसे, कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, आप एंटी नेशनल होने के जो फर्जी एजेंट होने के लगाते रहे उनके ऊपर, ठीक है आप जो कह रहे हैं उन्होंने कई बातें ऐसे की, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको जरा अकलमंदी से हल करने की जरूरत है। ओके माफी चाहूंगा। क्या ये जो बातें कि सड़कों पे खून बहेगा तो ये बोली क्यों जा रही हैं? सॉरी, क्या ये जो सड़कों पे खून बहेगा, इन्होंने बोला कि सड़कों पे खून बहेगा, ऐसी बातें बोली क्यों जा रही हैं? वो इसलिए बोली जा रही है कि उन्होंने नहीं बोली ये बात। अगर आप देखें, फैसल वाडा ने ये बात कही, फैसल वाडा ने ये कहा था आके कि मैं जनाजे देख रहा हूँ, और वो उस वक्त कही थी कि जब वो अपनी पार्टी के खिलाफ एक स्टैंड लेकर आए और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इमरान खान कह तो नहीं रहे कि खून बहेगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर ये जो है ये हालात ठीक नहीं रहेंगे। तो हालात तो ठीक नहीं रहेंगे, ये बात भी ठीक है कि खून बहेगा। आप देखिए, ये जो हम बात करते हैं ना खून बहेगा, इमरान खान जब से अपनी ये मूवमेंट लेकर चल रहे हैं, अगर आपको याद हो तो उनके जलसों के दौरान जो जब अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे उस वक्त कितने नौजवान उसमें मारे गए हैं, स्टैम्पीड हुई एक मरतबा, लड़ाई झगड़ा हुआ जलसों के दौरान, तो खून तो तभी तब भी आ गया तहरीक के अंदर, इनकी तहरीक के अंदर। जहां तक अभी बात हो रही है खून बहने की, तो अगर इमरान खान